मगर स्टैंडर्ड मॉडल में भी डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसकी एक और बड़ी खामी भी है। पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि हिग्स बोसोन का मास करीब 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या जीईवी है। वो एक भारी पार्टिकल है, मगर स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक तो हम यही मानते हैं कि हिग्स को इससे ज्यादा भारी होना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों ये काफी हल्का है। हिग्स के साथ वजन की समस्या है। जिस तरह से हिग्स बोसोन दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है, उसी तरह से दूसरे पार्टिकल्स भी हिग्स को मास देते हैं। जब फिजिसिस्ट्स ये पता लगा लेंगे कि हिग्स इन दूसरे पार्टिकल्स की वजह से और कितना बड़ा हो सकता है, तब उन्हें वो वजन मिलेगा जो इससे शायद कई सौ करोड़ गुना ज्यादा हो। साइंटिस्ट को ये जानते हुए हिसाब लगाना पड़ेगा कि कुछ तो ऑफ है, तभी स्टैंडर्ड मॉडल काम करेगा। इसे समझाने के लिए ये कहा जा सकता है कि किसी चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को कैंसिल करना होगा, तभी हिग्स का मास अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पर टिका रह पाएगा। जब हिग्स और डार्क मैटर डैन के दिमाग पर हावी होने लगते हैं, तब ये फिजिक्स को छोड़कर कुछ और करते हैं। यहाँ इनके और इनके बैंड कॉन्ग्रिगेशन के लिए एक ही डार्क मैटर है कि ये ब्रोकन हार्ट्स की धुन पर गाए। मगर यहां भी डैन को म्यूजिक और ब्रह्मांड के रूल्स के बीच कुछ पैरेलल्स मिल गए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि मैं बहुत से ऐसे फिजिसिस्ट्स को जानता हूं जो बड़े माहिर म्यूजिशियंस भी हैं, और शायद इसकी वजह भी है। हमें पार्टिकल फिजिक्स में अक्सर ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जो कई लिहाज से म्यूजिक थ्योरी से काफी मिलते जुलते होते हैं। डैन मानते हैं कि नेचर में एक ऐसा पैटर्न है जिससे हिग्स के कम मास को सॉल्व करके डार्क मैटर को समझा जा सकता है। ये वो आइडिया है जिससे स्टैंडर्ड मॉडल भी मॉडिफाई हो जाएगा। उसे कहते हैं सुपर सिमेट्री। मैटर के हर पीस के लिए हर किस्म के फर्मियोनिक पार्टिकल के बोसोनिक पार्टिकल जरूरी है। एक फोर्स कैरियर तो चाहिए ही, इसी वजह से फोटोन को फोटिनो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से म्यूजिक थ्योरी में भी जब हम एक मेजर स्केल बजाते हैं, जैसे कि ये सी मेजर स्केल, तब हमें वही नोट्स ए माइनर स्केल पर भी बजाने पड़ते हैं, मगर अलग ऑर्डर में। इस लिहाज से एक सुपर सिमेट्रिक वर्ल्ड में बिना फोटिनो वाले फोटोन के साथ कोई समस्या नहीं होगी। हमारी म्यूजिक थ्योरी में भी माइनर स्केल के बिना मेजर स्केल का मजा नहीं आता। सुपर सिमेट्री के मुताबिक हमने कुदरत में जो तस्वीर देखी है वो आधी ही है। उन सबका एक मैसिव सुपर पार्टनर भी होगा। उनमें से ही एक सुपर पार्टनर वो डार्क मैटर भी हो सकता है। ज्यादातर सुपर सिमेट्री थियोरीज में हम जब भी कोई हल्का और नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो डार्क मैटर का एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। शुरुआती ब्रह्मांड जब काफी गर्म था, तब ये पार्टिकल्स काफी बड़े पैमाने पर बने होंगे। उनमें से ज्यादातर तो खत्म हो गए, मगर कुछ बच गए थे। उन बचे हुए पार्टिकल से ही हमारे आज के ब्रह्मांड का सारा डार्क मैटर बना। डैन के मुताबिक अगर सिमेट्रीज हमारे ब्रह्मांड का फंडामेंटल पार्ट है, तो वो हिग्स को सही मास पर ला सकते हैं। अगर नेचर में भी सुपर सिमेट्री है, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल जो कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बदले उसे उसके सुपर पार्टनर इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट कंट्रीब्यूशन मिलता है। इस तरह से वो बैलेंस बनाते हैं। वो ज्यादातर वक्त तो एक दूसरे को कैंसिल ही करते हैं, जिससे हमें काफी हल्का हिग्स बोसोन मिल सकता है। सुपर सिमेट्री की बात समझ में आती है, मगर स्टैंडर्ड मॉडल की नहीं। इससे पता लगता है कि हिग्स का स्मॉल मास क्या है और डार्क मैटर क्या है। मगर सुपर सिमेट्री की बात तभी सही होगी जब एक हिग्स की बजाय पांच हिग्स हो। अगर नेचर सचमुच सुपर सिमेट्रिक है और सिर्फ एक ही हिग्स बोसोन है, तब तो इस थ्योरी में वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम अनोमलीज कहते हैं। इसमें पैराडॉक्सेस हो सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें और हिग्स बोसोन्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर सर्न को दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा हिग्स बोसोन मिल गया, तो उससे सुपर सिमेट्री की बात को मजबूती मिलेगी, भले ही हमने अभी तक उनके सुपर पार्टनर पार्टिकल्स को नहीं देखा है। हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं उसे एक्सप्लेन करना पड़े, तो ये समझने के लिए कि उसमें ऑर्डिनरी मैटर के साथ डार्क मैटर भी कैसे रह रहा है,
साइंटिस्ट्स को 5 हिग्स बोसॉन के सबूत ढूंढने पड़ेंगे। एक गॉड पार्टिकल को ढूंढने में 40 साल लग गए। तो क्या सबसे बड़ा सच हमें अभी भी भरमा रहा है? माना जाता है कि हिग्स बोसॉन से ही हमारे ब्रह्मांड की हर चीज को मास मिला है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए बहुत बड़ा काम है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक पार्टिकल के लिए यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उस गॉड पार्टिकल का अपना वजन ही ना हो तो फिर क्या होगा? शायद ब्रह्मांड के असली डिजाइन को गॉड बनने के लिए एक से ज्यादा हिग्स की जरूरत है। जॉन एलिस सर्न में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। इनका ज्यादातर वक्त तो आइडियाज सोचने में ही बीतता है, ऐसे आइडियाज जो यहां अक्सर एक्सपेरिमेंट से गलत साबित हो जाते हैं, मगर जॉन को इससे खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है नई नई चीजें सोचना और हर एक्सपेरिमेंट पर नजर रखना। हमेशा यही उम्मीद रहती है कि हमें कुछ नया मिलेगा। अल्बर्ट डी रोक एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है। ये हमेशा इस उम्मीद में अलग अलग आइडियाज को टेस्ट करते हैं कि उन्हें गलत साबित कर सके। मैं इन एक्सपेरिमेंट से इसलिए जुड़ा कि मैं स्टैंडर्ड मॉडल को क्रैक करने के लिए कुछ ढूंढ सकूं। शायद हमें स्टैंडर्ड मॉडल से बढ़कर कुछ मिल जाए जिससे स्टैंडर्ड मॉडल ही खत्म हो जाए। अल्बर्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट है और जॉन है थिंकर। ये दोनों शुरुआत से ही हिग्स की खोज में लगे हुए हैं। शुरू से ही माना जा रहा था कि हिग्स बोसॉन से एक रहस्य हल हो सकता है। उसमें W और Z बोसॉन्स के मास का पता लग सकता है जो काफी भारी होते हैं। बाकी दोनों बोसॉन्स मासलेस हैं। फिजिसिस्ट का कहना है कि W और Z इसलिए भारी हो गए हैं कि वो अकेले उस इनविजिबल फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं जो हर जगह है, यानी हिग्स फील्ड। मगर दूसरे बोसॉन्स ऐसा नहीं करते। बाद में जब स्टैंडर्ड मॉडल आया तब हिग्स फील्ड का आइडिया इतना बढ़ गया कि उसे एक और बड़ा काम करना था। उसे पूरे ब्रह्मांड को मास देना था। उसे बाद में जोड़ दिया गया, इसके लिए वो मैकेनिज्म नहीं बना था। मगर अल्बर्ट और जॉन जैसे फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि सिर्फ ये एक ही पार्टिकल हर चीज को मास नहीं दे सकता। आज फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल के अलावा भी बहुत सी थ्योरीज हैं। ये उनका एक जनरल फीचर है, वो सिर्फ एक हिग्स बोसॉन की बजाय उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज को प्रिडिक्ट करती हैं। जॉन और अल्बर्ट भी स्टैंडर्ड मॉडल के आधार पर कुछ नई थ्योरीज बनाना चाहते हैं और साथ में इसकी खामियों को भी दूर करना चाहते हैं। मतलब उन्हें हिग्स के बारे में अपने प्रिडिक्शंस भी बदलने होंगे। कई किस्म के हिग्स पार्टिकल्स का प्रिडिक्शन किया गया। आप उन्हें आइसक्रीम के फ्लेवर्स जैसा मान सकते हैं। अगर LHC को वही पुराना वनीला हिग्स मिलता है तो उससे वही साबित होगा जो फिजिसिस्ट्स पहले से जानते हैं। लेकिन अगर वो किसी और दूसरे मजेदार फ्लेवर का हुआ, जैसे कि मिंट चॉकलेट चिप, तब तो फिजिक्स के लिए कई और नए रास्ते खुल जाएंगे। उनमें से एक पॉसिबिलिटी तो यही होगी कि दो हिग्स बोसॉन्स हैं और दोनों का अलग अलग काम है। यही है असली बात। बहुत से आइडियाज ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक किस्म की आउटसोर्सिंग चल रही है। उनके मुताबिक एक हिग्स बोसॉन तो रेगिस्तान के W में है और दूसरा टमाटर के पार्टिकल्स के लिए है। मान लीजिए कि जॉन एक Z बोसॉन है, एक फोर्स कैरियर। अल्बर्ट एक क्वार्क है, एक मैटर कैरियर। जॉन को कॉफी बहुत पसंद है, अल्बर्ट को एक चॉकोहॉलिक माना जाता है। अब मान लीजिए कि ये कैफे एक हिग्स फील्ड है और ये चॉकलेट शॉप एक दूसरा। जब जॉन इस कैफे के पास से गुजरते हैं तब उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो मास गेन करते हैं। मगर दूसरा पार्टिकल यानी कि मैं वहां से आगे निकल जाऊंगा और वहीं जाकर मेरी स्पीड कम होगी जिस फील्ड से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। वहां जाकर मैं रुक जाऊंगा, जैसे कि इस चॉकलेट शॉप के सामने। स्टैंडर्ड मॉडल में दो हिग्स फील्ड्स की बात ही नहीं है, इसलिए ये आइडिया जॉन और अल्बर्ट को अपील नहीं करता। अगर हमें ये पता लग जाए कि एक से ज्यादा हिग्स है तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि स्टैंडर्ड मॉडल के आगे भी फिजिक्स है। अगर हम ये मान लें कि हम जिसे देख रहे हैं वो मेरी दादी का हिग्स बोसॉन नहीं है, तब तो ये खेल कई मायनों में और ज्यादा मजेदार हो जाएगा।
जिस तरह से ये नया पार्टिकल डीके करता है उसमें अभी तक तो कई एनोमलीज नजर आई हैं, और इससे लगता है कि उस डेटा में हिग्स का एक और एग्जॉटिक फ्लेवर छिपा हुआ है। अभी भी डेटा के एक बहुत बड़े ढेर को एनालाइज करना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि हिग्स बोसॉन हमारे लिए एक नए फिजिक्स का पोर्टल साबित होगा जो हमें स्टैंडर्ड मॉडल के कहीं आगे ले जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है हम कुछ नया सीखते हैं। एलएचसी से ये पता लग रहा है कि हिग्स भी कई खिलाड़ियों में से एक है। हो सकता है कि वो गॉड पार्टिकल हो ही नहीं। इन साहब को लगता है कि ब्रह्मांड के क्रिएशन का राज शायद हिग्स की बजाय कहीं और छिपा है। हम जिन पार्टिकल से बने हैं उनके बारे में तो हमने अभी सोचना शुरू ही किया है।